नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आप हैं हमारे YouTube चैनल ग्रोथ स्टोन पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं NIOS के एग्ज़ाम फीस के बारे में। कल ही यानी 23 तारीख को ही NIOS ने एग्ज़ाम फीस भरने को लेकर नोटिफिकेशन निकाल दिया है। जो विद्यार्थी इसे डाउनलोड करना चाहते हैं वो hdmis.nios.ac.in पे जाकर एग्ज़ाम फीस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के ज़रिए बताया गया है कि जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला था वो जनवरी फरवरी मंथ में एग्ज़ाम होगा और उनके लिए स्टूडेंट एग्ज़ाम फीस भर सकते हैं। और साथ ही एग्ज़ाम फीस भरने का डेट दिया गया है कि कब से लेकर कब तक आप एग्ज़ाम फीस भर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये बात बतला देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम फीस जो जनवरी फरवरी में भरे एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए जो भरे जा रहे हैं वह कौन कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं। तो चलिए, 2020 अप्रैल मार्च में जिन विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम फीस भरा था और जिनका रिजल्ट ख़राब हो गया है, जो पास नहीं हो पाए हैं, वो विद्यार्थी एग्ज़ाम फीस भर सकते हैं। या उससे 2-3 साल पहले जिन विद्यार्थियों का एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट में रह गया है, अगर उनको इच्छा है कि नहीं इस बार हमको एग्ज़ाम देना है, तो वो भी एग्ज़ाम फीस भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए, मैं डेट के बारे में बताता हूँ कि कब से कब तक भरना है। यहाँ पे दिया गया है 23 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आप विदाउट लेट फीस यानी को बिना कोई नीलम शुल्क के आप भर सकते हैं, 23 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक। 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अगर आप भरना चाहेंगे तो उनमें आपको 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से लेट फीस लगेगा। यानी कि 5 सब्जेक्ट है तो 500 रुपये लगेगा, 4 सब्जेक्ट का भरना चाह रहे हैं 400 रुपये लगेगा। और जो विद्यार्थी 15 दिसंबर तक भी नहीं भर पाते हैं वो 16 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में अगर भरना चाहें तो वो भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए 1500 रुपया पर सब्जेक्ट सॉरी पर लर्नर भरना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए भरें या 5 सब्जेक्ट के लिए भरें, लेट फीस आपको 1500 रुपया ही देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, और मैं ये बतला देना चाहता हूँ, यह सिर्फ ऑनलाइन ही भर पाएंगे, ऑफलाइन का कोई प्रावधान नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन ही आप भर सकते हैं। आप मोबाइल से भर सकते हैं, आप लैपटॉप से भर सकते हैं, या किसी के माध्यम से आप भर सकते हैं। अगर आप खुद भरना चाहते हैं तो आपको ओपन करना होगा hdmis.nios.ac.in। आप इनको ओपन करने के बाद ऐसे डैशबोर्ड खुलेगा, यहाँ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है और रिजल्ट एग्जाम, और रिजल्ट में एग्जामिनेशन में जाएंगे, उसके बाद पे एग्ज़ाम फीस जून सॉरी जनवरी और फरवरी 2021 यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसे पेज खोलेंगे, इसमें आपको रोल नंबर फिल करना है, सबमिट करना है। रोल नंबर भरने के बाद आपको वहाँ पे सब्जेक्ट जो आपने चूज किए थे एडमिशन के टाइम में वहाँ पे दिखेगा आपको। आपको जिन जिन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और एग्ज़ाम फीस भर देना है। ऑनलाइन ही पेमेंट करना है आपको, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब कितना पेमेंट करना है एक सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे दे दिया गया है कि अगर आप थ्योरी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आपका थ्योरी सब्जेक्ट है तो 250 रुपये लगेगा, और प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है तो आपको 250 प्लस 120 प्रैक्टिकल का है और प्लस एडिशनल चार्ज जो फीस 50 रुपये दिया गया है पर ट्रांजेक्शन है। यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए भरेंगे तो भी 50 रुपये लगेगा और 5 सब्जेक्ट के लिए भी भरेंगे तो भी आपको 50 रुपया वो एडिशनल चार्ज लगेगा ही लगेगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो दिया गया है थ्योरी, थ्योरी यानी कि हिंदी सब्जेक्ट जो कि थ्योरी है, इंग्लिश थ्योरी है, सोशल साइंस थ्योरी है, जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसका 250 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से पेमेंट कटेगा। और जिसमें प्रैक्टिकल है, सपोज कीजिए कि पेंटिंग हो गया आपका, डाटा एंट्री हो गया, मैथ हो गया, होम साइंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो है ये है आपका प्रैक्टिकल,
ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कैसे पेमेंट कटेगा, इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल रहता है, तो थ्योरी का 250 प्लस 120 रुपया, प्रैक्टिकल यानी कि 370 रुपया आपको कटेगा होम साइंस का, 370 आपका डाटा एंट्री, यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जितने भी है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उनका 370, और जिनमें सिर्फ थ्योरी है उनका 250। क्लियर है, मैंने आपको सारे डिटेल्स बता दिए हैं। और इसके बाद भी अगर आप नहीं भर पाते हैं किसी कारणवश, आपके पास लैपटॉप मोबाइल नहीं है, या आप हमारे द्वारा भरवाना चाहते हैं, हमारे थ्रू भरवाना चाहते हैं, तो हम आपका एग्जाम फीस भर देंगे। जो भी चार्ज होगा वो आपको पे करना होगा, और आपने असाइनमेंट जमा कर ही रखे होंगे, आपको असाइनमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम फीस भरिए और एग्ज़ाम दीजिए। इसके बाद भी मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊंगा, जब डेट शीट निकलेगा तब मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, ताकि आपको डेट शीट का नोटिफिकेशन मिल जाए, और हॉल टिकट जब आएगा तब भी मैं आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि आपको हॉल टिकट का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह से NIOS के जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको वीडियो के जरिए आपको नोटिफाई कर दूंगा। तो आप वीडियो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ताकि जो भी स्टूडेंट NIOS से पढ़ रहे हैं उनको मदद मिल सके। आज इतना ही, धन्यवाद।